न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर आज दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। अन्नाद्रमुक के हंगामे के कारण राज्यसभा में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। मार्कंडेय काटजू के मद्रास उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति पर छपे लेख को लेकर अन्नाद्रमुक ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। इसके कारण सभापति डॉ हामिद अंसारी ने पहले 10 मिनट के लिए और उसके बाद फिर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। काटजू तब मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। सुबह जैसे ही राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हुई, अन्नाद्रमुक सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने अन्नाद्रमुक सदस्यों से कहा कि इस मुद्दे को बाद में उठाएं, पहले प्रश्नकाल होने दें। डॉक्टर अंसारी का भी यही कहना था, ये मामला उचित प्रक्रिया के तहत उठाना चाहिए, लेकिन अन्नाद्रमुक के सदस्य नहीं माने और हंगामा करते रहे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा किया है। काटजू ने दावा किया है कि तमिलनाडु के एक जिला अदालत के जज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के बावजूद उसे मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया। मार्कंडेय काटजू ने मनमोहन सिंह और उनकी सरकार पर भी भ्रष्ट जज को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस पर भी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठाए। काटजू ने कहा कि मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार बचाने के लिए एक भ्रष्ट शख्स को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बने रहने दिया। चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और सरकार की बात को मान लिया। काटजू ने चीफ जस्टिस वाईके सबरवाल और जी के बालकृष्ण पर भी उस भ्रष्ट जज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया।